असलम माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक नेम डी कोलोकेशन इट्स फ्राम योर इंग्लिश एट्थ क्लास इंग्लिश बुक एंड इट्स फ्राम योर टेक्सट बुक्स पेज नंबर फोटी फाइव सो डियर स्टूडेंट्स ये ग्रामर पोर्शन का वर्क है आप लोगों का कोलोकेशन तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले कि कोलोकेशन होता क्या है उसके बाद इसकी एक छोटी सी एग्जरसाइज है वो हम करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आपके जो पेज पे है लैंग्वेज वर्क में आप देखो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड एंड ऑन द टेरिस वेदर परमिटिंग खाना तब वहाँ पे टेरिस पे दिया जाएगा जब वेदर अलो वेदर परमिटिंग होगा तो यहाँ पे हमने जो वर्ड लगाया है वेदर परमिटिंग इसका मतलब कि जब मौसम इजाजत देगा बट वी कै नॉट से मेल्स विल बी सर्वड आउटसाइड ऑन द टेरिस वैदर अलोइंग लेकिन हम अलोइंग यहाँ पर नहीं लगा सकते अदरवाइज परमिटिंग और अलोइंग का सेम मीनिंग है ठीक है इजाज़त दे का लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है हमने परमिटिंग लगाया अलोइंग नहीं लगाई क्यों बिकॉज परमिटिंग कोलोकेट्स विद वैदर एंड अलोइंग डज नॉट क्योंकि परमिटिंग वर्ड जो है वो किसके साथ कोलोकेट होता है अलोइंग के साथ ले ये सॉरी वैदर के साथ लेकिन अलोइंग वैदर के साथ कोलोकेट नहीं होता है तो कोलोकेट अब वो वाले वर्ड्स होते हैं इट्स द वे इन विच पर्टिकुलर वर्ड्स टेंड्स टू ऑकर और बिलोंग टूगेदर एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्राम द्जाम्पल अब कोलोकेशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं ऐसे कि वो एक मतलब मीनिंगफुल सेंस बनाते हो मे uh, बी उनका जो दूसरा वर्ड होगा विद सेम मीनिंग सेम मीनिंग होगा लेकिन हम कोई पर्टिकुलर वर्ड वर्ड्स जो हैं आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम कोलोकेशन बोलते हैं ठीक है ना मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म कॉमन कोलोकेशन अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है लेफ्ट पे कुछ वर्ड्स है और राइट पे कुछ वर्ड्स है हमें इनको कोलोकेट करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है सो डियर स्टूडेंट्स पहला जो वर्ड है वो है वर्क यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हैं सक्सेस इथिक्स अवेयर इंपॉर्टेंट ओपन तो इसका आंसर आएगा इम्पोर्टेंट काम जरूरी इम्पोर्टेंट ठीक है दूसरा है वाइड ठीक है तो इसका ओपन वाइड ओपन वेल ओवेयर वेल ओवेयर सी पार्ट फिर है फोर्थ पार्ट ग्रेट इट्स डी पार्ट इम्पोर्टेंट सॉरी ग्रेट सक्सेस ग्रेट सक्सेस ए पार्ट है इसका आंसर उसके बाद है वाइटली फिफ्थ पार्ट इसका आंसर है इथिक ओके okay? तो यही हो गया कोलोकेशन uh, इन वर्ड्स को जब हम आपस में जोड़ा हमने तो हमें पता चला कि ये एक कोलोकेट वर्ड्स बनते हैं सो डेयर स्टूडेंट इट वॉज टू डे टॉपिक फॉर यू पीपल थैंक यू सो मच